ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत उड़ीसा के राउरकेला में सेक्टर 15 स्थित जामा मस्जिद परिसर में करीब 600 मुस्लिम भाइयों को नशीले पदार्थों से होने वाले दुष्प्रभावों को बताया, साथ ही नशीले पदार्थों को छोड़ने की अपील की गई। यह कार्यक्रम सुद्दीन इमाम जी की देखरेख में सम्पन्न हुआ। सबसे बड़ी नमाज यही है, जो शरीर उसे अल्लाह ताला ने दिया उसको धन्यवाद देना, शुक्रिया देना। मैंने एक ही चीज पाठ पढ़ा है जीवन में, मैं सबको सिखाता हूँ कि ये शरीर है तो आपका सब कुछ है। सबसे बड़ी नेमत उस अल्लाह ताला की ये शरीर है, उसके लिए कल सुबह उठते ही सबसे पहले उसको शुक्रिया देना और उसको बता देना कि जो आप खा रहे हो, जो ले रहे हो, वो जहर है। कार्यक्रम के अंत में कुछ विशिष्ट ग्रामवासियों और मस्जिद के इमाम गयासुद्दीन ने आवाम सहित सभी बच्चों से खुद को इस बुराई से बचने के लिए अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सभी तक पहुंचाने की आशा जाहिर की। कई लोगों ने अभियान के तहत नशीले पदार्थों को सभी के सामने दान देते हुए इनसे तौबा की तथा खुद को और अपने परिवार को भी महसूस रखने का वादा करते हुए निःशुल्क होम्योपैथी दवा भी ली। इस एक गंदे काम से आदमी चोरी भी करता है, जनाबारी काली भी करता है, कत्ल भी करता है, घर बर्बाद होता है और आप अपने आंखों से देख रहे हैं, सुनते रहते हैं, हर दुनिया में झगड़े होते हैं। सिर्फ वजह क्या है? सिर्फ एक वजह है कि आदमी जो है इस नशा को इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मानते हुए, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं शपथ लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान हिल जाए, धरती फट जाए, मैं कभी भी आज से इस पाक शरीर में किसी भी नापाक वस्तु को, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, गांजा आदि को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।